हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की दो महत्वपूर्ण खबरों की। पहली खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखे कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न आए, साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाएं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। इसी के साथ कोरोना से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी में बिना मास्क पहने किसी भी श्रद्धालु दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आप माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है, तैयारी के साथ जाएं। आर्मी ने भी एडवाइजरी जारी कर जवानों को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। इसी के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज से सभी यात्री मास्क पहनेंगे। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। गरीबों को 2023 तक मुफ्त राशन देगी सरकार, 81 करोड़ को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इसमें एक फैसला खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को 2023 तक मुफ्त राशन देने का किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। आपको बता दें, बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो इस काम की खबर के साथ अब अगले एक साल मुफ्त अनाज का फायदा लें। वीडियो यहीं फिनिश हुआ। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो आपके अपने चैनल रियल न्यूज वायर को लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि आप रोजाना की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।